लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सलाम साहब। क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू सिंह। ठीक है, बाहर जाओ। जी। गेट आउट। तो खबर सच निकली, जेल को अय्याशी का अड्डा बना रखा है। क्या बात है, टीवी, वीसीआर, विस्की, इंपोर्टेड सिगरेट्स। तो तुम हो राजू भटनागर? जी। बच्चों को किडनैप करने वाले करप्ट ऑफिसर्स को रिश्वत देकर जेल के कमरों में फाइव स्टार होटल का कमरा बनाकर रहने वाले? जी। मैं उन तमाम करप्ट ऑफिसरों को आज के आज सस्पेंड करा दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अपनी कीमत बोलो। क्या? अरे तुम मुझे खरीदना चाहते हो? दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है ऑफिसर, खरीदार होना चाहिए। वैसे भी राजू भटनागर को वर्दियां खरीदने का बहुत शौक है। तुम सेंटर के आदमी को रिश्वत देना चाहते हो? ये स्पेशल चेकिंग है, समझे? मिस्टर राजू भटनागर, तुम्हें पता नहीं है कि सरकारी ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने का क्या अंजाम हो सकता है। अब तुम्हें जिंदगी भर जमानत नहीं मिलेगी। सर, इसे तो सीधा अंडा सेल में डालवा दीजिए। डेफिनेटली, इसको पता नहीं हमारा पावर क्या है। पहले जेल से निपट लेते हैं, फिर इसको बताते हैं। पहले सामान उठाओ, सब लेके चलो यहां से। अरे अब आप बात कर रहे हो तुम? मेरे जेल के अंदर तीन ऑफिसर आए और मुझे खबर तक ना हो। उन तीनों की वर्दियों को देखकर तो ऐसा लगता था पेरूमल साहब कि वो जरूर किसी बड़े रैंक के ऑफिसर हैं और किसी स्पेशल राउंड के लिए आए हैं। कोई राउंड वाउंड पर नहीं आया था। मेरा दावा है कि वो सारा सामान इसी जेल में मौजूद है। तुम उन लोगों को पहचान तो लोगे ना? ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं तुम्हें जेल में राउंड पर लेकर चलता हूं। देखते हैं, चलो मेरे साथ। ठीक से काम करो, ध्यान से देखो, इनमें से तो कोई नहीं है ना? हाँ। चलो। पीकर विस्की राजू की, पीके सिगरेट फॉरेन की। आ गई मुसीबत हम सब की। तुम तीनों चिंदी चोर, अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम तीनों को अंडा सेल में बंद करा दूंगा। ओ साहब, ये हूल झपाट किसको दे रहे हो? चिंदी चोर किसको बोल रहे हो? हम चिंदी चोर है तो तुम कफन चोर है। अगर तुम्हारी नारकतों का पता ऊपर वाले साहब को चल गया ना, तो तुम्हारी वर्दी दो मिनट में उतर जाएगी और धोने के लिए इसके पास आएगी। और स्त्री के लिए इसके पास, और मैं स्त्री से जला डालूंगा। बकवास बंद करो। अरे भड़को मत साहब, पहले हमारी बात तो सुनो। हाँ। क्या हम तीनों की थोड़ी कमजोरी है? जैसे मैं वीसीआर पे जब तक फुल नाइट पिक्चर नहीं देख लूं, मेरे को तो नींद नहीं आती है। और अपुन का क्या है साहब, जब तक अपुन के गले के गटर में दो चार घुट नहीं जाते ना, अपुन के दिमाग की घंटी नहीं बजती। हाँ। और अपना तो पीढ़ी से भी काम चल जाता है। लेकिन जब इम्पोर्टेड सिगरेट देख लेता हूँ ना, तो दिल मचलना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या सोचा कि हम सब जेल में तो हैं, तो वो माल हमारे कमरे मेरे हुए या इनके कमरे मेरे हुए तो क्या फर्क पड़ता है। थोड़े हाथ की चालाकी दिखाया, थोड़ा खोपड़ी का कमाल दिखाया और माल को इधर से उधर चंपत कर दिया। तो कुछ गलत किया था? बिल्कुल ठीक किया। बोलो सर। मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ ना। एक मिनट जेलर साहब, आप जरा शांत हो जाइए, ये हमारे आपस का मामला है, आपस में ही निपटा लेंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक ख्याल है। सुना था हर शेर पर सवा शेर होता है और हर चोर पर मोर होता है। आज ये बात साबित कर दी तुम लोगों ने। रजू भाई, क्या एड़े का निशाना
बेवड़े की ताकत और ये खोपड़ी की खोपड़ी का चमत्कार, ये अगर तीनों एक जगह मिल जाए ना तो राह चलते आदमी की आंख से सुरमा चुरा ले और उसको पता नहीं चले। तो आप पूछेंगे पकड़े कैसे गए, तू बता बे। जेल में थे इसलिए पकड़े गए, बाहर होते ना तो ढूंढते रह जाते। हाँ लेकिन स्कीम बहुत बढ़िया बनाई थी तुम लोगों ने, चक्कर में आ गया मैं भी। अरे अपने खोपड़ी का दिमाग खूब चलता है, लेकिन क्या है कभी इसका पासा कभी ठीक नहीं बैठा। एक बात बात पूछूं? पूछो। सुना है कि तुम छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके बहुत माल कमा लेते हो। माल तो सभी कमा लेते हैं, पर तुम नहीं समझ पाओगे। इसकी समझदारी वो थोड़ी कमजोर है। बहुत। ये ऊपर का जो माला है ना ये खाली है। खाली जगहों को भरना मुझे अच्छी तरह से आता है। मुझसे दोस्ती करोगे? विस्की पिलाओगे? डेली तो दोस्ती होली। ठहर अकेले कहाँ पी रहा, गिलास में डाल। ओ काली साला, इसको भी दे। चीयर्स। अरे क्या राजू भाई, 9 कलाक से राउंड पे राउंड मार रहे हो, बोलो तो सही कि क्या परेशानी है यार। अरे दोस्ती की है तो निभाना भी सीखो यार। क्यों? अरे आप उनको मालूम है राजू भाई को क्या हुआ है? क्या हुआ? कल हम लोगों की रिहाई का दिन है, जेल से जा रहे हैं, इसलिए राजू भाई जरा उदास हो गए। बाहर निकल कर तो तुम लोग वही छोटा मोटा काम करोगे, कितना कमा लेते हो? राजू भाई बुजुर्गों ने कहा है कि औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पूछने का मतलब कुछ और था। बाहर निकलकर अगर मेरा एक छोटा सा काम करोगे तो उसके बदले में 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख? तीनों को 5-5 लाख। 5-5 लाख एक एक करना क्या है? किडनैप करना है इस बच्चे को, अगवा करना है इसे। एक बीड़ी पिला। अरे जेब में 555 है और बीड़ी मांगता है क्या यार? मांगने की आदत पड़ गई ना, चोर चोरी से जाता, हेरा फेरे से थोड़ी जाता है। सलाम साहब। ये हमें सलाम करने वाला कौन पैदा हो गया? क्या है भाई? वकील साहब ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। वकील साहब? अबे वो वकील की अपने फीस नहीं दिए था ना, तो उसने अपने को सजा करवा दिया था। हाँ। लगता उसने गाड़ी भेजा। नहीं जी, ये डागा साहब ने भेजी है। ओ डागा साहब ने? अरे वो वकील साहब जो बातों के सच्चे हैं, दिल के अच्छे हैं, शक्ल के लुच्चे हैं। वो वकील साहब? वो वकील साहब ने, उन्होंने गाड़ी भेजी है। दरवाजा खोलो, गाड़ी में बैठा ना पहले कभी। चलो चलो बैठ। ए बाप, ये नोट असली है या डुप्लीकेट है? खुद हाथ बढ़ाओ और देख लो। अरे यार बिल्कुल असली है, लगता है अभी अभी नासिक के टाकसाल से निकाल कर लाया है। गरम है क्या? अरे एकदम गरम है। ये फाइल है, इसमें लिखा है कि बच्चा कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, कितने औंस दूध पीता है, दिन में कितनी बार पीता है, उसके घर वाले उसे कब और कहां घुमाने ले जाते हैं। लेकिन याद रहे, मुझे बच्चा 24 घंटे के अंदर चाहिए। नहीं तो? नहीं तो anyway, मेरा प्लान इस तरह है। एक मिनट वकील साहब, हम लोग काम करने का स्टाइल ऐसा है कि काम तुम्हारा पिलान हमारा। करेक्ट। ये अपना यार खोपड़ी है ना, इसकी खोपड़ी की चक्की जब चलती है ना तो भगवान भी शैतान को याद करना शुरू कर देता है। क्या करता है? शैतान भी भगवान को याद करता है। ये बराबर है। करेक्ट। ये लो। अबे ये क्या है, सिर्फ उबले हुए चने? ये हेड़ा को घोड़ा समझता है क्या? आज तक तो यही खाते थे, अचानक हाजमा क्यों खराब हो गया? अबे अपने पैजामे में रहकर बात कर। जा किसी अच्छे होटल से 3 तंदूरी चिकन, 3 चिकन फ्राई, 3 चिकन लॉलीपॉप फटाफट लेके आ। फटाफट लेके आ जा। अबे ठहर जाए ए धड़ियल, जाने देना। अबे एड़े तेरे भेजे में कीड़े पड़ गए हैं क्या? क्यों? इतना लंबा ऑर्डर तो दे दिया, अभी बिल तेरा बाप चुकाएगा कि मेरा बाप चुकाएगा? अरे बिल देने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए, दिल लेना चाहिए। जब जेब में नोट भरे हो ना तो मैं ये उबले हुए चने नहीं खाने वाला। हाँ बोलिए यार, क्या आइडिया दिया यार।
अरे अपन लोगों की कड़की तो दूर हो गई, फिर ये देसी काय को पीने की। स्कॉच मंगा, स्कॉच स्कॉच मंगा, स्कॉच स्कॉच पीने के लिए थोबड़ा दूसरा चाहिए, ये नहीं चलेगा। और बेटा 1200 रुपए की बाटली आती है वो? अबे 1200 हो या 12000 के, अपन के बाप का क्या जाता है। हाँ। तेरा मतलब वकील साहब का सारा माल जो है वो तेरे गले की गटन में उतार देवे। अबे एक तो वैसे हम लोग पुलिस की ब्लैक लिस्ट में हैं, ज्यादा होशियारी मत करो नहीं तो पब्लिक को शक हो जाएगा। एक तो वैसे ही वो बच्चे को पुलिस की कॉलेज से उड़ाना बहुत मुश्किल काम है, बता रहा हूँ मैं तेरे को। तो फिर क्या करें? तुम दोनों ठहरे अंगूठे छाप, लेकिन अपन मिडिल फेल है क्या? अबे ठीक है ना, क्या घड़ी घड़ी यही बात करता रहता है। उस वकील के फाइल में साफ साफ लिखा है कि वो बच्चा हर संडे को अपने नाना मतलब जज साहब के बंगले पर रहने को जाता है। हाँ तो क्या हुआ? अरे यार समझने की कोशिश कर, वो बंगला मड आइलैंड पे है और सिर्फ दो पहरेदार है और नौकर पीछे पीछे क्वार्टर में रहते हैं क्या? अरे जियो मेरे लाल, दारू पी के तो तेरी खोपड़ी की झोपड़ी में ट्यूबलाइट जल जाती है। और डाल वे ये ले, जल्दी से लंबा घूंट मार ले, लाल परी अंदर जाएगी ना कुछ न कुछ बाहर नाचते निकल आएगा। हाँ ये ले पी ले। क्या हुआ? अरे अंदर आग लग गई है। अरे आइडिया, अगर ऐसी ही आग जज के बंगले में लग जावे तो जल्दी करो, जल्दी से पानी लाओ। अरे और जल्दी आओ, चल रही है, जल्दी से आप बुझाओ। ओह क्या आग लगी है, वाह। अबे तारीफ करा। अरे बाप रे क्या आग लगी है, भयानक आग लगी है। अरे ये भी कोई आग है, ये तो यूं बुझ जाएगी। अबे तू पिटवाएगा, ये एक नहीं 5 फायर ब्रिगेड चाहिए इसको बुझाने के लिए। ओ आप लोग बहस ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी? क्या करें? करेंगे। ओफो आग बुझाइए। हम लोग फोन करके आते, तू आग बुझा दे। तू किधर पीछे आ रहा, उधर जा। पूरा बंगला देख लिया, बच्चा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। मगर तूने बच्चे की फाइल देखा था ना, उसका नाम क्या है? मोंटी। मोंटी 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 मोंटी। अबे बच्चे को आवाज दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मोंटी मोंटी पानी दे रहा हूँ। ओफो आग यहाँ नहीं, यहाँ लगी है। ओ, अरे। दे, चुप है, चुप। मैं, जरा इसको पकड़ेंगे आप? इसको जी? घबराइए मत, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ओफो